हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो ये ट्रांसवर्स नेचर है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर होता क्या, तभी तो मीनिंग समझ में आएगा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, और प्रीवियस लेक्चर्स का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो किससे बनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है। अगर तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है एक्स एक्सिस के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो जाएगी वाई के अंदर या वो जाएगी जेड के अंदर। ठीक है, अगर तो वो जाती है वाई में, तो मैग्नेटिक फील्ड के पास एक ऑप्शन बच जाएगा, और वो बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ जेड का। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने ले लिया जेड, तो मैग्नेटिक फील्ड के पास ऑप्शन बच जाएगा वाई एक्सिस का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खुद जिस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अपोजिट, उससे अलग डायरेक्शन में जाती है। और कौन से डायरेक्शन में? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के परपेंडिकुलर होता है, चाहे ऊपर की तरफ चाहे यहाँ पे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे जा रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा सकती है, इस तरफ जा सकती है। ठीक है, तो यहां पर हमें ये बताना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके पास दो ही ऑप्शन क्यों होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एक्स में गई, तो उसके पास सिर्फ वाई और सिर्फ जेड ही क्यों ऑप्शन है? वो एक्स में क्यों नहीं जा सकती? वो खुद भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ मूव कर सकती है। ठीक है, तो हमें यही पॉइंट प्रूव करना है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स में गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स में जा सकती है या नहीं जा सकती है, यही चीज हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे ये बॉक्स दिख रहा होगा, चॉकलेट बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने क्या ले लिया है? क्यूब ले लिया है, क्यूबॉइड लगा लो, क्यूब लगा लो, ये हमने स्ट्रक्चर कंसीडर कर लिया। अब इसके अंदर क्या होगा? ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, और ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई1 है, वो एंटर कर रही है फेस फर्स्ट से और एग्जिट कर रही है फेस सेकंड फेस से। तो इस क्यूब के ई1 फर्स्ट फेस से ई1 इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर चली गई और ई2 इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल गई। ठीक है, तो अब हमें इसके हेल्प से ये प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंसीडर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन पल्स एक्स एक्सिस, एक्सिस बैंक वाला एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रेवल कर रही है एक्स एक्सिस के अंदर। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि हमें तो यही प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई और जेड में ही मूव करेगी, एक्स में मूव नहीं कर सकते। तो प्रूव कैसे करेंगे? अब जैसे स्कूल टाइम पे हम मैथ्स पढ़ते, तो मैथ के अंदर क्या होता था कि अगर हमें कोई भी चीज है वो गलत साबित करनी है, तो सबसे पहले हम मान लेते कि लेट दिस इज दिस, और लास्ट में प्रूव कर देंगे अरे ये तो गलत है, तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर भी हमें यही करना, हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में मूव कर ही नहीं सकती, तो कंसीडर कर लो कि वो एक्स में मूव कर रही है, और फिर इस बात को गलत साबित कर दो। तो यहाँ पे हमने यही लिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खुद एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में तो हो नहीं सकती, तो इसी बात को हमें प्रूव करना है। तो कंसीडर कर लेंगे, लेट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स एक्सिस, इनके बजाय इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो लिख देना यहाँ पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर फ्रॉम फेस 1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट फ्रॉम फेस 2। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप आता है। सपोज कर लो
सपोज कर लो, ठीक है। सपोज कर लो मीन्स हर जगह सपोज ही करना होता है कि हमें इमेजिन करो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही, इमेजिन करो वहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रही, तो सब कुछ इमेजिनेशन ही है। फिजिक्स मीन्स इमेजिनेशन। अगर इमेजिन कर सकते तो फिजिक्स बहुत ईजी है, और अगर इमेजिनेशन बहुत खराब है तो फिजिक्स भी बहुत खराब होने वाली है, ठीक है। तो इमेजिन करना स्टार्ट करना है, तो सपोज करना है। सपोज क्या करना है इसके अंदर कि देयर इज नो चार्ज, इफ देयर इज नो चार्ज इन क्यूब। अब क्यूब में कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, तो फिर ये पॉइंट है इन्होंने दे दिया कि हम मान लेते हैं कि क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं है। मानना क्या, एक्चुअल में जब हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे तो हमें ये चीज लेकर चलेंगे कि यहाँ पे अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। देर इज नो चार्ज इन द क्यूब, ठीक है। देन यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, घास गाय खाती है वो घास नहीं, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, ठीक है। कौन सा है, गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। याद है ये हमने कहां पे पढ़ा था, याद करो कहां पे पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट के अंदर आया है याद, कहां पे, फर्स्ट यूनिट के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एक टॉपिक होता था गॉस थ्योरम, ठीक है। भूल गए होगा ना, बहुत सारे साल हो गए हैं पढ़े हुए, ठीक है। तो अभी हमने कुछ टाइम पहले हमने इसका एग्जाम भी दिया था, बोर्ड एग्जाम जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर हुए थे, तो वहां पर भी हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी। तो गॉस थ्योरम क्या थी, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो चार्ज है, हमने कहा कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, अगर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जीरो। इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। किसने ये बात कही है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, किसने कही है, गॉस थ्योरम ने कहा है। गॉस थ्योरम ने क्या कहा कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये जो हमने क्यूब लिया है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, जीरो हो गई, ये बात बोली गॉस ने। अब ये तो गॉस ने कहा, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें बताना है। गॉस ने तो बोल दिया कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्योंकि यहाँ पे चार्ज जीरो है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्यूब कितनी है, E1 एंटर कर रही है, E1 अगर एंटर कर रही है और E2 एग्जिट कर रही, तो बीच में कितनी होगी, यहाँ पे बीच में होगी E1 माइनस E2 हो गई। तो हम बोल रहे हैं इतनी है, गॉस ने बोला है इतनी है, तो दोनों ही सही है, तो इसका मतलब ये वाली चीज क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि हमारी जो कॉमन सेंस है वो बोल रही है कि अगर E1 जा रही है और E2 निकल रही है, दैट मींस इन दोनों का डिफरेंस बीच में होगा। गॉस ने बता दिया कि ठीक है ये दोनों का डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस कितना है, जीरो है, ठीक है। अब देखो ये पॉसिबल कब होगा, हमने कहा ये डिफरेंस, गॉस ने कहा जीरो है, तो ये डिफरेंस जीरो के इक्वल कब होगा, तो इसके दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो E1 इज इक्वल टू E2 हो, या फिर E1 भी जीरो हो और E2 भी जीरो हो, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी होगी, तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। या तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो कैंसल आउट होके जीरो आ जाएगा राइट हैंड साइड, या फिर ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, तो ओवरऑल जीरो बन जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटी। अब सबसे पहले देखते हैं ये वाली पॉसिबिलिटी, अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, अब इक्वल हो गई तो फिर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसके अंदर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये कब बोल दिया, कल के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होती है ई नॉट साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है, पढ़ा था हमने। तो ये चेंजिंग ही तो हो गया ना, ई नॉट फिक्स है, ई चेंजिंग है, किसके साथ चेंज हो रहा है, एक्स के साथ भी और टाइम के साथ भी, मीन्स डिस्टेंस के साथ भी चेंज हो रहा है और टाइम के साथ भी। हमने देखा था कि वो ऐसे ऐसे करते हुए मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, तो वो
मूव करे, एक्स यहां से शुरू हो रहा है जीरो से, आगे बढ़ा एक्स इज इक्वल टू वन, आगे बढ़ा एक्स इज इक्वल टू टू, लेकिन जब वो यहां से यहां पे जा रहा है टाइम भी तो चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस भी चेंज हो रही है टाइम भी चेंज हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो रही है। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहां से एंटर कर रही है तो भी उसकी वैल्यू इतनी है, और यहां से एग्जिट भी कर गई तो मीन्स इतनी इतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लो फिर भी उसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बल्कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होती है, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। तो सेकंड पॉसिबिलिटी बच गई कि ये दोनों ही जीरो हैं। अब यही पॉसिबल होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, गॉस ने बताया कि ये जीरो है ही है अंदर, क्यों, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, अगर जीरो है तो या इक्वल होंगे या दोनों जीरो, इक्वल हो नहीं सकते क्योंकि ये चीज हमने खुद बोल ली कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अगर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो इसका मतलब ये इक्वल तो हो नहीं सकते, तो ये दोनों होंगे जीरो। अगर जीरो होने का मतलब क्या है, जीरो होने का मतलब ये तो हमने कहां पे लिए थे, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जाएगी फिर, या तो वाई में जाएगी या फिर जेड के अंदर जाएगी। इसी तरह हम गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का यूज करके हम शो कर सकते हैं कि जिस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खुद जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड उसके अलोंग एग्जिस्ट नहीं करेगी, या तो उसके इस तरह परपेंडिकुलर या जेड एक्सिस में परपेंडिकुलर ही एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और यही क्या था हमारा ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ट्रांसवर्स का मतलब क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं किसके, एक्स एक्सिस के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने ये टॉपिक स्टडी कर लिया, तो इन सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझना और इमेजिन करना है, ठीक है।